अब देख क्या रही हो? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, समझ गई? नहीं निकलना तो आपको धक्के के मारकर यहाँ से निकालना। जाओ बस। छोड़ दीजिए मुझे सिद्धार्थी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए। ज़्यादा हट। सब जानना चाहती हैं ना आप? आइए मेरे साथ। छोड़ दीजिए मुझे, विश्वासघात किया है मेरे साथ। क्यों? दादा पास चलो। सबके साथ खेला आपने। बोलिए। और तुम? माना था मैंने तुम्हें, अपनी रोने की जगह दी थी और तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात कर दिया। चाहती क्या है? तुमको देविका सामने देखो, बोलो देविका। माता जी क्या बताएंगी, वो तो सब जानती, क्योंकि ये शादी उनके सामने उनके आशीर्वाद से हुई है। साइलेंस। बोलो। क्यों माता जी, है ना? बल्कि बड़ों की रस्में तो उन्होंने ही पूरी की है। सिमर दीदी, सिमर दीदी, मेरी और प्रेम जी की शादी, मेरी और प्रेम जी की शादी पूरी विधि मान के, अग्नि को साक्षी रखकर, सात फेरे लेते हुए ही हुई। और उसी तरह प्रेम जी ने अपने हाथों से आपका श्राद्ध भी किया है। हमने तो वही किया जो तुमने कहा। सिमर को पाताली के प्रकोप से बचाने के लिए तुम्हारी और प्रेम की शादी करवाई, और अब तुम कह रही हो कि अच्छा मैंने कह दिया और आपने मान लिया। वाह माता जी वाह। समझ में नहीं आ रहा है आप भोली तो हो या बेवकूफ। वाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ, भोली कहूँ या बेवकूफ। चलिए, मैं आप सबको ये बता देती हूँ आज कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। बोलो। मैं बस प्रेम जी को पाना चाहती। सही कहा आपने, आज के बाद ये शक्ल आपको कभी नहीं देखने मिलेगी, लेकिन मेरी नहीं, सिमर दीदी की। ये शकल नहीं होगा, आपको आज के बाद कभी शकल तक देखने नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी नहीं, सिमर दीदी। बस बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। दोबारा मत करो। सही कहा आपने, आज के बाद आपको ये शकल देखने नहीं मिलेगी, मेरी नहीं, सिमर दीदी की, क्योंकि इस घर से मैं नहीं जाऊंगी। ये जाएंगी सिमर दीदी जाएंगी। तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम किस तरह झूठ बोलने की जरूरत क्या है मुझे? मेरी शादी इन सबके सामने माता रानी के सामने हुई है। प्रेम जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपनी पत्नी बनाया है। माता रानी अभी लास्ट क्लोज है ना, देख क्या मैं तो बंधक के बाकी निकाल दूंगी। एक्शन नहीं बोलो, एक्शन। अब देख क्या रही हो, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ, समझ गई? अच्छा नहीं निकलेंगी ना तो आपको धक्के मारकर यहाँ से निकालना। जाओ ऊपर। विश्वास ही नहीं हो रहा कि देविका ये सब कह रही है। माता जी कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ कर बैठे रहेंगे? सच तो हमारे सामने है और फिर देविका से उम्मीद ही क्या की जा सकती? वो तो आखिर है तो पाताली देवी ही है, और नहीं तो क्या। पाताल लोक में गायत्री से हारकर वो अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी थी और पाताल लोक से उसे निकाल दिया गया था, तो यहाँ आके कब्जा जमाना चाहती है। लेकिन भाभी अगर ऐसा होता तो खुद दीदी को गायत्री से क्यों बचाती? लेकिन भाभी अगर ऐसा होता तो खुद दीदी को गायत्री से क्यों बचाती? यही तो गायत्री की चाल है। नहीं, कुछ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें दिखाई दे रहा है पर नजर नहीं आ रहा। मेरे क्या है नहीं, कोई और बात है, कुछ है जो ना देख पा रहे और ना ही समझ पा रहे। देविका का इस बात के पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। तुमने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसके बावजूद तुम पर हमारा पूर्ण विश्वास था कि देविका हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अब जो तुम कर रही हो उसकी मुझे तुमसे कतई उम्मीद नहीं थी। उसे मांगी जाती है, अपनों से नहीं। तुम तो इस भारद्वाज परिवार का हिस्सा हो, हक है बेटा तुम्हारा होता। माता जी सही कह रही हैं, जो जगह इस घर में हमारे दिल में सिमर दीदी की है वही जगह तुम्हारी भी है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम हमारे साथ ही रहोगे। लेकिन इस घर में हमेशा के लिए रहने से पहले मुझे लेकिन उसकी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें मथुरा के उस मंदिर जाना होगा जहाँ पे गायत्री की पताली की शुरुआत हुई। वहाँ पर जाके हमें खास तरह की पूजा करनी है और उस पूजा के खत्म होने के साथ साथ गायत्री की शक्ति खत्म हो जाएगी, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी। फिर वो जाकर अपनी शक्तियों का उपयोग दुरुपयोग कभी नहीं कर पाएगी। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि पाताली उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि गायत्री इस नाले से अपनी गति से बाहर नहीं निकलती, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, या फिर हमें डरना चाहिए। और सिमर अकेले कैसे बाहर नहीं हो? उन्होंने कहा 4 दिन तक, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ 4 दिन वाला वो छोड़ दो ना, क्लोजर में चला। अभी ये डायलॉग लो, हाँ रोलो, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ के लिए रवाना होना होगा। हाँ रोलो, इसलिए हमें इस तिथि को संपूर्ण करने के लिए जल्द से जल्द रवाना होगा। माता जी अब तुम लोग दे पैसे एक्शन। यकीन मानिए माता जी कुछ नहीं होगा हमें, हम उस मंदिर जा रहे हैं, हम उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ गायत्री मुझसे मेरी शक्तियाँ छीन रही हैं, और अगर सब कुछ सही है तो उसके विनाश के कारण है। कट ओके। तो विश्वास करती है ना నేనిప్పుడు సాక్షి మార్కమని కసం అయితే अड़ना एक्शन मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन इन पर तो विश्वास करती है ना। इन्हीं को साक्षी मानकर मैंने कसम खाई थी कि आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगा। कम से कम उस कसम की लाज तो रख लेती, और एक बार पूछ तो लेती कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों नहीं जानना मुझे, आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है। कहा ना नहीं कुछ सुनना, नहीं सुनना मुझे। ओके ओ दादा एक्शन। बस कि आपने एक बार फिर मेरे भरोसे को तोड़ा है। सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी बात तो सुनिए। एक तरफ सोलह और एक तरफ शबनम, देविका का बदलता हुआ रूप क्या कहेंगे? हाँ, देविका का बदलता हुआ रूप है क्योंकि अभी जो है आप देख सकते हो कि मैं ये बोल रही हूँ सिमर दीदी को कि ये ससुराल सिमर का नहीं है, ससुराल देविका का है। सो थोड़ा सा बहुत ट्विस्ट है इसमें क्योंकि मैं थोड़ी सी एविल हो गई हूँ अभी। तो ये सभी चल रहा है ड्रामा। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं कि ससुराल जो देविका का है, जो बन चुका है, देविका कहीं ना कहीं ट्विस्ट लाने की कोशिश करी, सिमर को हटाने के लिए करी है, नहीं देविका एक्चुअली पॉजिटिव ही है। वो जो है गायत्री ने उसको धमकी दी है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर वो जो है जो हम मेरे पाताल वासिया है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ ये सब। जो पूजा होने वाली है, हाँ, उसमें सिमर और आप ही केवल जाने वाली, तो उसमें भी क्या ट्विस्ट है? उसमें भी काफ़ी ट्विस्ट है क्योंकि सिमर दीदी की आत्मा अभी पाताल लोग जाएंगे, मतलब हम दोनों मिलके, और वहाँ पे जाके गायत्री के साथ काफ़ी फाइट होने वाली है। okay, पाताली तो गायत्री जो कह रहे हैं, गायत्री और देविका तो पहले ही पाताली थी, उसका जो माइंडसेट है क्या वही रहेगा, और सिमर को क्या हम पहुँचेगा फिर देविका पहुँचा देविका? नहीं, देविका जो पाताली देवी थी वो अच्छी पाताली देवी थी, मतलब वो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती थी और वो सबको लेके चलती थी, मतलब वो एक अच्छी क्वीन थी। लेकिन गायत्री जो है उसने उसकी शक्तियाँ छीन के वो वैसी पाताली देवी बन गई और पाताल लोग को बदनाम किया। तो मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मेरा जो सिंहासन है वो चाहिए, तो इसके लिए सारी फाइट हो रही है, और साथ में मैं सिमर दीदी को भी बचाना